सोमवार दिन है। सोमवार दिन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम रे समस्त को मु स्वागत करुछि। अनेक जन से माने मिस करुथिबे जे सोमवार दिन केते बढ़िया आमे चर्च रे थिलु, ब्लैक बोर्ड रे आमको सुंदर भाव वाक्य गुड़ी को शिक्षा दिया जाउथिला। मात्र एबे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार किछि किछि अलगा लागु नै, सबु समान पर लागुछि। ए प्रकार मनोभाव मते थिबो आ प्रभु जदि इच्छा करंती ताहाले आमे से प्रकार भाव रे मध्य आमे स्टडी नेबा। आमे एई समय रे आमाने वाक्य आड़ को जीवा। आमे अनेक समय रे सकाळ समय रे अनेक जनकर अभ्यास जे से माने उठिबे चा कपे धरिबे आउ न्यूज पेपर को से माने धीरे धीरे पढ़िबे आउ बाइबल को सेंती पढ़ा जाए ना। चा कपे धरी न्यूज पेपर पढ़ला पर पढ़ा जाए ना, गणित पुस्तक पढ़ला पर बाइबल पढ़ा जाए ना, कि कौनसी प्रकार विज्ञान पुस्तक पढ़ला पर बाइबल पढ़ा जाए ना। आउ अनेक जन बाइबल एथिपाय पढ़ंती जे से माने मेसेज रेडी परिबे, मेसेज प्रीच करि परिबे, मंडली को शिक्षा दे परिबे। बाइबल गोटे मेसेज पुस्तक नाही, एटा जे किछि मेसेज आमे लोक मान को देबा सेथिपाय आमे बाइबल पढ़िबा। आउ सेही प्रकार भाबे बाइबल को भूल रे पढ़ंतु नाही, एहा गोटे मेसेज पुस्तक सेही प्रकार भाबे पढ़ंतु नाही। एहा होची जीवन देवा पुस्तक। ए पुस्तक मनुष्यर जीवन को बदलाए, मो जीवन को बदलाई, आउ धीरे 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 मो जीवन को सिद्धता आड़ को ए प्रभुंकर वाक्य पढ़ी ने होच। सेतिपाई एवरी चिठार लेखक से आमको गोटे कथा से कहंती, केउ प्रकार भावरे आमे वाक्य को आमे सुनिबार आवश्यक रही। एवरी पुस्तक तहार पांच अध्याय रे से कहउचंती, एते समय हेलाणी तुमे शिक्षक हेबार आवश्यक थिला। एवरी पुस्तक तहार पांच अध्याय रे केते पद, बार पद, कारण यद्यपि एते समय मध्यरे तुम्ह मानकर शिक्षक हेबा उचित थिला। शिक्षक हेबार उचित थिला। आमे अनेक जन अछु, आमे अनेक वर्ष धरि आमे चर्च रे अछु, आ प्रभु को वाक्य आमे कहुची एते समय हेलाणी तुमे एबे शिक्षक हि जिबार आवश्यक थिला। मात्र तथापि ईश्वरक वाक्यर प्राथमिक मौलिक सूत्र केही जे तुम्ह मानकु शिक्षा दिए एहा पुनर्बार तुम्ह मानकर प्रयोजन अछि। गुरु पाक खाद्य प्रयोजन न होई दुग्ध तुम्ह मानकर प्रयोजन, जे दुग्ध पाई से तो धार्मिकतार वाक्य विषयरे अभ्यस्त नुहे कारण से शिशु मात्र। देखंतु 11 पद पढ। एही विषयरे आम्भ मानकर अनेक कथा कहिबाकु अछि, आ तुम्हे माने सुनिबारे शिथिल होइथिबारो सेथिर अर्थ बुझैबा कष्टकर। कष्ट काहे कि होछि? बाइबल रो कोनोसी सब्जेक्ट को बुझैबा पई कष्टकर नहि, मात्र जो समय रे श्रोता माने बा सुनिबा व्यक्ति शिथिल भाबरे सुनंती। हिंदी रे लेखा जाउछि, तुम लोग उच्चे सुनने लगे हो, तुमको आउ उच्चारे कहिले तुम्हें सुनुच, ए प्रकार कथा सेठी लेखा आई। सेथिपाई आमे मोबाइल को आमे ऑन करिछु, बहुत जागृत सहकारे आमे सुनिबा। मु ए स्थान रे कोनोसी प्रकार आपणंकर ज्ञान बढ़ेबार कथा मु प्रचार करिवा पाई चाहे ना, कि मोर सीटा आह्वान नाही। मु की प्रकार भाबे विश्वासी मानकु सहाय्य करि पारिबि, एटा मोर गोटे नंबर 1 गोल, कि प्रकार भावरे मु विश्वासी मानंकु सहाय्य करि पारिबि। कारण बाइबल रो वाक्य ही आमानकु सहाय्य करि पारिबे, आ अन्य के आमानकु सहाय्य करि पारिबे। तबे मोर दिन राति मोर गोटे प्रार्थना, जो समय रे मु प्रचार करिबा पई किया हुए, सेही समय रे जो माने सुनु छंती से माने शिथिल भावरे सुनंतु नाही, आग्रह भावरे सुनंतु, आ जो वाक्य से माने सुनिबे सेमानको जीवन रे काम दो। एहा मोर प्रार्थना। मु प्रभु को दास भाव रे मोर गोटे बोझ रहिछि। आपण माने मो सहित गोटे वाक्य आपण काढिबे। आज रो टॉपिक को जीवा पूर्वरु मु गोटे प्लेटफॉर्म तयारी करिवा पई चाहे। थेसलोनिको पुस्तक काढंतु,
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର ଆଠ ପଦ କିଏ ବା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କାହାରି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରି ନଥିଲୁ ବରଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଓ କ୍ଲେଶ ସହ ଦିବାରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଏ ବାକ୍ୟ ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁଁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁଁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନିଜକୁ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ତ ଥେସଲୋନିକକୁ ଆସିଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କାହାର ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେଇନଥିଲି ପାଳକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ମୋ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ମୁଁ କାହାର ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାରକୁ କେମିତି ହାଲକା କରିପାରିବି ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ଲଦି ହେଲା ପରି ନ ଲାଗୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆସିଲେ କେହି ଦାନ ଦେବେ ନାହିଁ ପାଳକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାର ଅଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଆସୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଗୁଡିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ହେବ କାରଣ ଆମେ ଏଇ ସମୟର ଆମ ପାଳକମାନେ ଆମେ କାହାର ମଧ୍ୟ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଚଳିବୁ ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ଦୟାକରି ଜାଗ୍ରତ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଟା ମରଣ ଆଉ ଜୀବନର କଥା ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କାରଣ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ଯାଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଥିଲି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମାନେ ବୋର୍ କରିବେ ଏମାନେ ବିଜାର କରିବେ ମାତ୍ର ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ କେହି ବିଜାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲର କଥା ମୁଁ କହିବି ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ କହିବେ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମର ଶିକ୍ଷା ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଭଲରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ରେପ୍ଚର୍ ଅଂଶୀ ହେଇପାରିଲି ଏଇ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଫିଟାଇବା ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାହାର 8 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହକାରେ ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ କାରଣ ଏ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ମୋତେ 20 ବର୍ଷର ଉପରେ ଲାଗିଲା ଏ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଦେବା ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ତେବେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ନେଉଛି 8 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦ କାରଣ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଯଦି ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମର କଥା ଉଠି ନଥାନ୍ତା ପ୍ରଥମ ନିୟମ କଣ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଦୋଷ ରହିତ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ପ୍ରଥମ ନିୟମ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ କଣ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଭ୍ରି ଚିଟର ଲେଖକ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଦୋଷ ରହିତ ହେଇଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଠେଇଥିଲି ଦୟାକରି ଦେଖେଇବେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଦୋଷ ରହିତ ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ନିୟମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ନିୟମକୁ ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଦୋଷ ରହିତ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋ ମେଡିସିନକୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରକୁ ଆଉ ଏଇ ପିକ୍ଚରରେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କିଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ
ता औषधर मैन्युफैक्चर डेट देखु तार एक्सपायर डेट आमे देखु आमे प्रथम विषय आमे देखु तार मैन्युफैक्चर डेट आमे देखु केबे से तयारी हितला आउ केबे से एक्सपायर हबो ए विषय आमे देखु यदि मने करो गोटिए मेडिसिन एक्सपायर हे जाइछि ताले कोनोसी मधे व्यक्ति से औषध से खाइबो नै यदि से खाउछि ताले तार शरीर समस्या देखा जिवो तारो रिएक्शन देखा जिवो होई पारे से मरी मध्य जाई पारे सेबे एई स्थान रे प्रभु हमहु कहउचंती प्रथम जो नियम मु तुमान को देइतिली से नियम एक्सपायर हे जाइछि से नियम रे दोष देखा जाइछि ता आठ पद पढिबा हां भाई धन्यवाद जेनु से सेतिर दोष प्रकाश करे सेमान को कहंती प्रभु कहंती देखो समय आसो छे जेते बेले आंभे इस्राएल वंश और जिहुदा वंश गोटे नूतन नियम स्थापन करबा से कहउचंती जे प्रथम नियम दोष रहित हेछि नियम देइथिले किए प्रथम नियम के देइथिले परमेश्वर निजे देइथिले हेले परमेश्वर देबा कोनोसी नियम एक्सपायर हि पारे कि दोष युक्त हे पारे कि पचारंतु दोष परमेश्वर नियम देइथिले प्रथम नियम काकु देइथिले प्रथम नियम मोसांकु देइथिले मात्र एही जगह रे एब्री चिटर लेखक से कहउचंती जे प्रथम नियम दोष रहित होइछि ले केमिति दोष रहित होइछि परमेश्वर देबा नियम दोष युक्त हेबो कि केमिति से दोष रहित होइछि सेही रोमियो पुस्तक आपण जदि जिबे मो सहित आपण आसंतु रोमियो पुस्तक 8 अध्याय को आसिबे ताहारो तीनी पद आ मु दुई पद पढिबा आमे एक रु पढले भलो हेबो अते जे माने ख्रीष्ट जीशुंक ठारे अछंती सेमानंक प्रति वर्तमान कोनोसी दंडाज्ञा नाही कारण जीवनदायक आत्मांक व्यवस्था ख्रीष्ट जीशुंक सहभागिता रे तुम्हको पाप ओ मृत्युदायक व्यवस्था रु मुक्त करियछि ए जागा रे दुईटा व्यवस्था कथा कह जाउछि गोटे हला आत्मांक व्यवस्था आ गोटे हला पाप आ मृत्युदायक व्यवस्था रु मुक्त करियछि तीन पद जेणु शरीर सकाशे दुर्बल हेबारु व्यवस्था जहा साधन करि पारिला नहीं व्यवस्था कोन साधन करि पारिला नहीं सेति पय परमेश्वर कहउछन्ति एही व्यवस्था दोष रहित हेछि ए व्यवस्था फल्टी हेछि दोष रहित होइ नहीं लेखाइछि प्रथम व्यवस्था दोष रहित कोन दोष युक्त माने कोन माने दोष ठीक नहीं दोष हां बोले प्रथम जो नियमटा से देले से नियम रे कोन थिला दोष युक्त नियम दोष परमेश्वर देबा कोनोसी विषय दोष युक्त न थाए परमेश्वर जहां भी दियंती उत्तम विषय से दियंती मात्र से कहउचंती दोष युक्त बोल कहले रोमियो जो 8:3 रे आमे पढिलु दोष युक्त माने कोन जेउ जेणु शरीर सकाशे दुर्बल हेबारु व्यवस्था जहां साधन करी पारिला नहीं व्यवस्था कोन करी पारिला नहीं गोटे पापी मनुष्य को से धार्मिक करी पारिला नहीं व्यवस्था कारण व्यवस्था गोटे पापी को धार्मिक करने निम्ते परमेश्वर देना व्यवस्था एथपाई दे व्यवस्था द्वारा पाप कौन आम जान पार पाउल कहते जी व्यवस्था न था मिछ पाप बोली जान पार ना व्यवस्था न था कहले चोरी करवाटा पाप बोली मुझे जान न था मानने स्थान परमेश्वर आमको अति सुंदर भाव कहते जो प्रथम व्यवस्था से देते से व्यवस्था दोष थी दोष थी अर्थ कौन से व्यवस्था द्वारा गोटे मनीष केवे धार्मिक से हेई पार से प्रिय माने आमे आउ पुरातन व्यवस्था अधीन रे नाउ
ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେତେ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଳକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ କଭେନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରିବା ନାହିଁ। 39 ବୁକ୍ସ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯଦି ବହିକୁ ଆମେ ବାଇବଲରୁ ବାହାର କରିଦେବା ତାହାକୁ ଆମେ ଧରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ବାଇବଲକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। କଭେନେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୋଷରହିତ ହେଇଥିବା ସେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ସେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସମୟ ନେଇକିନା କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଟିକେ ଆସିଥିବେ। ଅଠେଇଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ। ଆକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମର ସୁସମାଚାର। ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏସବୁ ଯାକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଦୋଷ ରହିତ ହେଇଛି, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆଉ ଧରିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲେସିଂ ଗୁଡିକ ଲେଖାଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଅଠେଇଶର ଏକରୁ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି ସେଇ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବ ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଜଣ ଏଇ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ତୁମର ଠାରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚାର ଗୁଡିକ। ଏହା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଇ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ବିନା ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତିନି ପଦରୁ ପଢୁଛି, ତୁମେ ନଗରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ, ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ, ତୁମ ଶରୀରର ଫଳ ଓ ତୁମର ଭୂମିର ଫଳ ଓ ତୁମ ପଶୁର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗବଶ୍ଚବ ମେଷ ପରର ଶାବକ ଧନ୍ୟ ହେବ, ତୁମର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ତୁମ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଧନ୍ୟ ହେବ, ତୁମେ ଗୃହକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଧନ୍ୟ, ତୁମ ଗୃହ ବେଳେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଏଇଟା କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ? ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ଶାରୀରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ। ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ପଛରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ଆଉ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ବିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ବିନା ଯୀଶୁରେ ଆମେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାତ୍ର ଆଜି ମୋର ପ୍ରଚାର କରିବାର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋ ନୂତନ ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ କଣ। ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ଲେଖା ଅଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ଲୋକମାନେ ଅଟୁ, ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଟୁ, ଆଉ ଏ ନୂତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ସ୍ଲେଡ୍ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡା ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ କରି ଶୁଣିବେ ଯେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ନୂତନ ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମୂହ। ନୂତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ବାଇବଲରେ ଆମକୁ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମୂହ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। 15-20 ମିନିଟ ଭିତରେ ମୁଁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଲମ୍ବା ଟପିକ। ତାହାର 8 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ନାହିଁ,
परमेश्वर ठीक कारण आम्भे सेमानंकर अधर्म प्रति सदय हेबा पुनि सेमानंकर पाप सबु आउ स्मरण रे आनिबा नै या प्रभु कहउचंती प्रभु आमको एमिति नूतन नियम रे प्रतिज्ञा पुरातन नियम रे प्रतिज्ञा नै एटा से कहउचंती जे तुमे जो जो पाप गुड़ी को प्रभु जीशु ख्रीष्टंक निकट को आसीबा पूर्वरु तुमे जो करिछ ताहा केवल मु क्षमा करिछि ताहा नुहे मात्र ताहा आउ मु मने पकेबि नै ताहा आउ मु टोटली स्मरण रे आनिबि नै मु जो समय रे तुमको देखिबि तुमको गोटे निर्दोष व्यक्ति भाबे देखिबि तुम जीवन रे केबे कोनोसी प्रकार तुमे भूल करी नाओ कोनोसी पाप करी नाओ एही प्रकार भाबे देखिबि तुमर पाप गुड़ी को मु आउ स्मरण रे आउ आनिबि नै मात्र पुरातन नियम रे जो समय रे सेमाने पाप रो बलि उत्सर्ग करूथिले सेही समय रे सेमानकर पाप गुड़ी को सेमानको स्मरण रे रहूथिला रहूथिला सेमानको पाप गुड़ी को सेमानको स्मरण रे पुरातन नियम रे पाप गुड़ी को क्षमा करा जाउथिला मात्र नूतन नियम रे पाप केवल क्षमा नुए पाप रु से मानको उद्धार दउछ जोडा कि माने मथ्यू लिखित सुसमाचार एक अध्याय एक पद एटा आम नूतन नियम रे ए प्रकार आशीर्वाद काढ़ सहित आपण माने जानी हेले मध्य जानिबार आवश्यक पढ़ से पुत्र प्रसव करिबे आउ तुम्हे ताहांको नाम जीशु देव कारण से आपणा लोकंकु सेमानंकर समस्त पापर परित्राण करिबे प्रेज द लॉर्ड एहा नूतन नियम रे आशीर्वाद से आमर पाप केवल क्षमा करिबे नै पुरातन नियम रे गीत संगीता पुस्तक 103 गीत रो 3 पद लेखा गला से तुमर अधर्म सब क्षमा करंती यदि आमे खाली क्षमा चाहुचु आमे पुरातन नियम रो लोक आमे मात्र नूतन नियम रे परमेश्वर आमको कहउचंती जे आमे केवल तुमको क्षमा करिबो नहीं तुमको उद्धार करिबो ए प्रॉमिस परमेश्वर ए नूतन नियम रे आमो पाए करिसंती कोन कि क्षमा करिवे उद्धार करिवे आमर सब पापरु आमे जेतिक जाग पाप जाग आमे पोडी जाउचु आमे प्रभुंक पाखु जिबा आ कहिबा प्रभु तुमे प्रतिज्ञा करिछ ए नूतन नियम रे आ मते मो पापरु तुमे कोन करो उद्धार करो आमको पापरु क्षमा नै आमको पाप उपरे आमको उद्धार दरकार जयलाभ दरकार रोमियो 6:14 रे कोन लेखा जाउचि कारण पाप तुम्भ मानक उपरे कर्तृत्व करिबो नाही जेनु तुम्हे माने व्यवस्था रो अधीन नुह मात्र अनुग्रह रो अधीन अट देखो एते बडो प्रॉमिस से हम कोचन जे तुम्हे आउ व्यवस्था रो अधीन रे ना हो एबे आमे अनुग्रह रो अधीन रे आमे अछु आमे पुरातन नियम रे लोक माने व्यवस्था रो अधीन रे थिले मात्र एई समय रे आमे अनुग्रह रो अधीन रे अछु अनुग्रह बोल कहले आमे बुझिबार आवश्यक रही एबे एई जो मोबाइल आपण माने देखुचंती ए मोबाइल ए प्रकार रही पारिबो नै ए मोबाइल ए प्रकार रहिछि काहे कि जणे व्यक्ति ए मोबाइल को ए प्रकार धरिछंती बोली ए मोबाइल टाइम ती अछि अनुग्रह सेइटा आमे जो समय रे आमे पड़ी जिबु अनुग्रह आमको ए प्रकार टेकी कि ना आमको धरिबो आमको पाप आम उपर कर्तृत्व करिबो नै अनुग्रह रो आमे अधीन रे अछु ए नूतन नियम रे परमेश्वर आमको सेइटा देइछंती केवल आमर पाप को क्षमा करि नहंती आमर पाप रु आमको उद्धार करिछंती मु छोटिया कथा आपण कहिबा पई चाहे एबे जदि एही जुगरे जदि कोनोसी व्यक्ति कर घर को आमे जिबा आउ से व्यक्ति जदि गोटे लंठन लगे किना घरे बसी थिबो ता पाखरे पैसा अछि टंका अछि सबु अछि मात्र लंठन लगे किना बसी थिबो के जण त कहिबे देखो केते नम्र व्यक्ति से घरे लंठन लगे बसी छि मात्र मु नम्र व्यक्ति कहिबे नै मु कहिबे से मूर्खटा बोलि कहिबे कारण एही जुगरे इलेक्ट्रिक रो एते सुविधा थिला परे मध्य से व्यक्ति जदि लंठन रे चलुची दुखर विषय सेटा मु सेटा मु कहबा पई चाहे तुमे आ लंठन रे पाप रे रहिबार आवश्यक नै तुमे पाप तुम उपर कर्तृत्व करिवो नै कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको आमर समस्त पाप रु से उद्धार करिया पई से नूतन नियम रे आमको प्रतिज्ञा करिसंती आमे केते दिन
पाप करूथिबु क्षमा मागुथिबु पाप करूथिबु क्षमा मागुथिबु पाप करूथिबु क्षमा मागुथिबु आमे परमेश्वर कले ताकु दी एंड करिवार आवश्यक रहिछि पुरातन नियम रे पाप करूथिले आ से माने क्षमा मागुथिले मात्र नूतन नियम रे आमकु क्षमा मागिबा ने प्रभु आमकु उद्धार दरकार अछि आमु पाप रो उद्धार आवश्यक रहिछि कारण तुमे प्रतिज्ञा करिछ ए प्रकार जदि आमे वाक्य सिखिबा ताहाले मु कहूची अल्प दिन भितरे आमे पाप उपरे आमे जयलाभ करि पछि मात्र आजिरो जो प्रचार रहिछि जे आमे नूतन नियम रो विश्वासी आमे धीरे करि पाप करि देबा ता पछे दुइटा से कहबे ने मगरमच्छ का आसु बुहाई कि ना आमे जिबा आउ क्षमा मागि देबा ए प्रकार शिक्षा गुडी को चलिछि प्रिय माने पुरातन नियम रे जने व्यक्ति यदि पाप करि देला ताहाले से यदि बळी आणु नै ताहाले जाजक कहिबो तो पाखरे टंका नै तु काही पाप करथुलु तु टंका नै बोल तु पाप करि पारबो नै तु पाप करि छ बोल बलिदान आवश्यक रहिछि आजिरो जो शिक्षा रहिछि जे जिसुंकर रक्त कु से म्युनिसिपालिटी रो पानी पोरि जे छाडी दिले पळे जाउथिबे आमे पाप करूथिबु जाय धोई होतबु पाप करूथिबु जाय धोई होतबु आमे केते दिन आमे प्रकार चलिबो परमेश्वर आमकु प्रतिज्ञा करिसंती जे आमकु संपूर्ण भाबरे आम पाप रु आमकु उद्धार करिवे एही प्रकार प्रतिज्ञा ए नूतन नियम रे करिसंती जो पुरातन नियम आमकु धार्मिक करि पारला नै पाप रु उद्धार करि पारला नै ता परे परमेश्वर आमकु गोडे नूतन नियम से आमानकु देइछंती आउ से नूतन नियम रे प्रतिज्ञा करिसंती आमे तुम पाप रु उद्धार करिबा आउ तो पाप गुडी को आमे आउ स्मरण रे आनिबा नै से आमर स्वामी नहंती जे कहि देबे क्षमा कर देली म बोले काली गंडगोल लागले आउ तरे से दिन एंती कहितलु से प्रकार कथा हम परमेश्वर कहिबे नै से प्रकार कथा कहिबा प्रभु से नहंती से एरे बड प्रतिज्ञा मोर प्रिय माने मात्र ए प्रतिज्ञा गुडी को लोक मान को लुचे किना तो प्रभु को पाक को आसो तुमको तुम चांगुड़ी धन्य हेबो प्रभु को पाकु आसो तुमको छुआ हेबो प्रभु को पाकु आसो तुमको चाकरी हेबो बिना प्रभु को पाकु आसबा लोक मान को मधे जो मिलुची मात्र प्रभु को पाक को ए नूतन नियम रे आ प्रथम आशीर्वाद जे से आमगु आमरो समस्त पाप रु गोटे नै दीटा नै समस्त पाप रु से आमगु उद्धार करिया पै से प्रतिज्ञा दैछंती आ प्रभु को दास भावे मोर कर्तव्य है यही वाक्य को मु आपण मान को निकट रखी आम नूतन नियम समय रे आम अच्छु आम परमेश्वर आम को आम पाप रु से उद्धार करिबे आ जो जो भूल गुड़ी को आम कर सब आमको स्मरण आने ना अनेक समय प्रभु को पाक आईला परे आम भूल गुड़ी को लोक मैंने आमको कहती अ ये पालक है ये एमती भूल करमती भूल कर तुम कथा को धरे ना मत बाइबल कथा धरे बाइबल परमेश्वर कहते तू थे मो पाक आसिलु तो पाप स्वीकार कलु मो तो पाप को बिलकुल स्मरण आणवि ना तु के भूल न कर पाप न कर व्यक्ति पी मु तुमको देखुची से बड़ प्रतिज्ञा कर अगाध समुद्र रे आम पाप गुड़ को से निक्षेप कर से भूली जा परमेश्वर मेमोरी दुर्बल ना से भूलती ना मत से डिसाइड कले से मु निर्मल खरार पाप को स्मरण से रखी ना एते महान प्रतिज्ञा से आमको कौन आज आम दाबी करवा कि आम कह कि प्रभु को प्रभु आज तुम वाक्य तुम मत जन नूतन नियम जो महान प्रतिज्ञा तुम मत आउ से प्रतिज्ञा को मुझे क्लेम करने दाबी करने प्रतिज्ञा से आम को नूतन नियम रनेक कथा मुझे आप निकट रखा चाहती कारण आवश्यक रही आमे ये नूतन नियम रे तुम कौन पाइछ तुमे प्रभु को ठारु कौन पाइछ नाइ मु पाप रु उद्धार पाइछ आ किए तो देई पारो पाप रु उद्धार केवल जीसु ख्रीष्ट देई पारबे आ नूतन नियम रे देई पारबे ए जो एवरी पुस्तक आपण माने मो सहित आपण माने खोलंतु तहारो 10 अध्याय रो एक पद एवरी 10 अध्याय रे एक पद कारण व्यवस्था आगामी उत्तम उत्तम विषय छाया स्वरूप होई देखंतु व्यवस्था आगामी आमर समय रो उत्तम उत्तम विषय छाया अनेक विश्वासी माने से माने छाई को धरिछंती प्रभु को अनुग्रह रे आमको उत्तम विषय प्रकृत विषय धरिबा पई सिखाउछंती व्यवस्था कोन
आगामी उत्तम उत्तम विषय छाया पीतल सर्प कौन प्रभु जीशु ख्रीष्ट को दर्शाए विभिन्न प्रकार विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट को दर्शाए आम ए छाई को धरवार आवश्यक ना आम को उत्तम विषय धरवाई परमेश्वर आम मान को अनुग्रह कर नूतन नियम अच्छा मुझे समस्त को कहवाई चाहे जो समय रे गोटे 38 वर्ष रोगी से बेसायदा कुंड निकट में पड़ी आशु खीश जाए पचारूंट बाबूरे तू कौन तो रोग रु सुस्थ हाँपाई चाहू कि ए प्रकार प्रश्न गोटे मूर्ख प्रश्न बोलिए लोक भावती मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्या से प्रकार मूर्ख प्रश्न पचारती ना 38 वर्ष है तुम्हें रोग से अच आ रोग से तुम्हें कंप्रोमाइज कर रही चाहू ना ये रोग रु तुम्हें बाहर चाहू 38 वर्ष रोगी से कहले नाई ना ना 38 वर्ष हो जिते पुराणा रोग हो मात्र मु रोग रु सुस्थता चाहू आपण केते वर्षर ख्रिस्टियन केते वर्षर विश्वासी आपण को प्रभु जीशु ख्रीष्ट पचारुचंती आज तुम्हें क्रोध रु उद्धार चाहू कि टंकार लोभ रु तुम्हें उद्धार चाहू कि आज तुम्हें ये जो शारीरिक अभिलाष मोबाइल रे फेसबुक रे विभिन्न प्रकार खराब खराब वीडियो गुड़िक राति अनिद्रा देखुच से तुम्हें उद्धार चाहू कि यदि आम कह यस से कहे निज खटिया घेनि चल आम उद्धार देवाई से प्रस्तुत अच्छा आम क्लेम कर आवश्यक रही आमेर क्लेम जगह कौन शिखेई आमको जे तुम्हें मत गोटे गाड़ी मिले तुम क्लेम कर विश्वास क्लेम कर मत बंगला मिले विश्वास क्लेम कर से सब धरी नर्क को जीव हाँ पापर उद्धार पाइन तो नर्क को जीव ना से सब धरी प्रिय मानने कहवाई चाहे आपण मान को अति सरल भाव में मुझे समय कहीं नौ छोटिया कथा को बुझेवाई मात्र आम पाखे अनेक ए प्रकार व्यक्ति मान अच्छा जो मान को बारंबार ये कथा न कहले बुझी पारे आज अनेक ख्रिस्टियान मुझे कहे ये सब वाक्य न जाणी पूर्व पराजय जीवन काटू पराजय जीवन काटू थी एवं मो पाखे गोटे टेप रिकॉर्डर अच्छी से टेप रिकॉर्डर ठीक रे काम दौना केत प्ले बटन मारदे से फॉरवर्ड हो जाऊँ फॉरवर्ड बटन मारदे से प्ले हो जाऊँ के रिवर्स हो जाऊँ कहतु तो से टेप रिकॉर्डर मुझे गिफ्ट देवी कि क्या को नियो भाई तुम बर्थडे गिफ्ट नियो से उपरे आनी फिंगी दब आज अनेक जन जो सुसमाचार पाई यही प्रकार टेप रिकॉर्डर पर सुसमाचार से सुसमाचार क्रोध उपर जयलाभ करना गोटे विजय ख्रिस्टियन जीवन जापन करने गोटे आत्मिक जीवन आनंद देना से सुसमाचार को अगर क्या बांटी पार ना बांटी पार ना मुझे जो समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कली से समय सुसमाचार शक्ति को बुझी पारि से नेक्स्ट प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करना अल्प दिन जाऊ जाऊ गए प्रेयर सेल तैयारी करी कारण मुझे जानी जो सुसमाचार मोर जीवन को बदल सुसमाचार मोर भाई भौणी जीवन को बदल पार्टी प्रेयर सेल तैयारी कली आखू जाए सुसमाचार कहली कहीं कहली कार प्रथम जेरुसलम जेरुसलम बोले निज जीवन जो काम हो पार आम से सुसमाचार मो जीवन में काम हो प्रिय मान से मुझे आप कहि ए नूतन नियम प्रतिज्ञा गुड़िक आपण मान निकट रखुची ए नूतन नियम ब्लेसिंग गुड़िक आपण मान निकट रखुची आपण जेड़े बड़ धनी जेड़े बड़ बाइबल पंडित होंतु जेते बड़ ज्ञानी होंतु मात्र यदि आपण पाप रु उद्धार पाई नहंती ताले आपण क्यों प्रकार भाव प्रभु जीशु ख्रीष्ट सहित रही पारे से आमको प्रतिज्ञा कर तुमको पाप रु उद्धार देवी मु तुमको आ तुम पाप गुड़िक स्मरण से आणबी ना के बड़ कथा एक कथा दुनिया कौन सी बाबा कौन सी पैगंबर कौन सी व्यक्ति से कही पारे ना से कारण पाप रु उद्धार प्रभु जीशु ख्रीष्ट दिखती आतन नियम से आम क्षमा दिखती केवल नुहे तार गोटे स्टेप उपरे बहुत स्टेप उपरे से उद्धार दिखती वाक्य शुणा समय आम मैंने जो जो पाप गुड़ी पढ़ी जाऊ आम कह कि प्रभु को प्रभु मो स्त्री सहित मोर पढ़ू ना टिके टिके कथा को चिटचिट चिटचिट हो एमती गोटे दिन जाए जो दिन मुझे चिटचिट है मत यू उद्धार दरकार मु रही पारि ना
ଯୋଉ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଗୁଡିକ ଦେଖେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରୁ ନାହିଁ, ମତେ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ ମତେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର, ଏ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର, ତୁମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ବ୍ଲେସିଂ ମତେ ତୁମେ ଦେଇଛ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଏଇସବୁ ବ୍ଲେସିଂ ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ଦାବି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବଡ ବିଷୟ ଏଇଟା, ଛୋଟ ବିଷୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ଆସି ଆମ ନିମନ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପାପରେ ଥିବୁ ଆମେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ଖାଲି କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରିଦେଲି ସେମିତି କରିଦେଲି ଦୟାକରି କ୍ଷମା ଦିଅ, ସେ କ୍ଷମା ଦେବେ ମାତ୍ର କେତେ ଥର ସେ କ୍ଷମା ଦଉଥିବେ। ଆମକୁ ଜୟଲାଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆମେ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନୂତନ ନିୟମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ମୋତେ କହିଛ, ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁମେ କରିଛ ମୋତେ ଦରକାର, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଗୁଡିକ ପାପ ଗୁଡିକରୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ପଦେ ଆମେ